वैसे भाभी कुछ फिल्में होती हैं रियलिटी और फिक्शन का फर्क ही मिटा देती हैं। कैसे श्वेता, ऐसा क्या देख रहे हो? अरे भाभी, मैंने वही देख लिया, दी लेडी ऑफ हेवन का ट्रेलर। वैसे भी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी इस मूवी के ट्रेलर को लेकर। हाँ, ये तो सही कह रही हो। वैसे तो ट्रेलर मैंने भी देखा है बड़ा गजब। भाभी, मुझे तो इस मूवी के साउंड इफेक्ट्स और सीन बहुत ही अच्छे लगे, और वो जो स्वर्ग का सीन दिखाया गया था, ऑसम भाभी, ऑसम। ट्रेलर देखकर लगा वाकई कुछ गजब का देख लिया है। हाँ श्वेता, ट्रेलर तो वाकई अच्छा है। KGF 2 के बाद सच में कुछ दमदार देखने को मिला है। भाभी, कहानी क्या है, कुछ बताओगी व्यूअर्स को? सब वेट कर रहे हैं। हाँ, काहे नहीं बताएंगे, इन्हीं लोगों के लिए तो देखिए। इसमें सीरिया और इराक का आतंकवादी हमला दिखाया गया है। एक फैमिली की कहानी है कि कैसे उस बच्चे की माँ उस अटैक में मारी जाती है, फिर उस बच्चे को एक औरत मिलती है और उसे एक कहानी सुनाती है, आज से ठीक 1400 साल पहले की, जब इस्लाम इस दुनिया में नहीं आया था। और जब इस्लाम इस दुनिया में आया तो उस वक्त क्या क्या हुआ। इसी कहानी का नाम है द लेडी ऑफ हेवन। फिर इस कहानी में एक औरत है, हजरत फातिमा, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से उसके जीवन में शुरू होता है स्ट्रगल, कैसे लोग उन पर अत्याचार करते हैं। एक रूढ़िवादी सोच दिखाई गई है, कैसे औरतों को दबाने की मंशा है, पर फातिमा की अच्छाई देखकर लोग जागरूक हुए और सही के लिए लड़े। भाभी, ये तो झांसी की रानी और पद्मावत जैसी मूवी लग रही है। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम, पर ट्रेलर वाकई में बहुत गजब है। पर भाभी, जैसे इसमें एक चीज को फोकस किया गया है, कास्ट को फोकस किया गया है, तो इससे बवाल नहीं होगा क्या? हो तो रहा है, और कई जगहों पर इसको बैन भी कर दिया गया है, इस मूवी को दिखाया नहीं जा रहा है। भाभी, वैसे जब मैंने ये ट्रेलर देखा और उनके कमेंट्स पढ़े, तो मैंने देखा लोग दो टुकड़ों में बटे हुए हैं, जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि फातिमा के साथ सच में ही ऐसा हुआ है, वहीं कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार भी करते हैं। पर सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। मूवी के हिसाब से देखें तो ट्रेलर सच में अच्छा है, कमाल का है। भाभी, इस फिल्म के राइटर कौन है? अब आते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर इस फिल्म के रचयिता कौन है। शेख अल हबीब, जिन्हें खुद अपने देश कुवैत से निकाला जा चुका है कुछ कंट्रोवर्सी के बाद, जिसके बाद वो लंदन में जाकर बस गए हैं और वहीं से अपना काम कर रहे हैं। खैर, कंट्रोवर्सी में ना घुसते हुए आपको बता दे, अभी इस फिल्म की रिलीज डेट नहीं आई है, जैसे ही आ जाएगी वैसे ही आपको बता देंगे और फिर फिल्म का भी रिव्यू जल्द ही करेंगे। पर बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक जरूर कर दियो।